अच्छी फिल्म है, काफी बहुत ही इतनी सुपर सुपर हिट है मूवी। काफी हद तक अब तक मैंने 4 बार मूवी देख ली है, जितना देख रहा हूँ इतना मन हो रहा है और बाकी और बार बार आके देखूं इतना मन कर रहा है। तो वेरी नाइस, आप एकदम फैंटास्टिक मूवी है और जो स्टोरी है द सुपर नाइस, और जो निशा जी की एक्टिंग है काफ़ी तारीफ के बोलने के शब्द ही नहीं है। और जो केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? बहुत ही अच्छी। और जो वक्त पे जो निशा जी ने पिक्चर में जो अपनी एंट्री से अपना एक फेक डाल दिया पिक्चर में, लुक एकदम काफ़ी अच्छा बेहतरीन एकदम। अरे ये पिक्चर में खास करके आकाश सर और निशा के लिए ही बार बार आ रहा हूँ, जितनी बार मन कर रहा हूँ उतनी बार आ रहा हूँ। अरे साहब मैं सोच रहा हूँ बार बार आते रहूँ जब तक ये पिक्चर थिएटर में लगी रही। बहुत ही मुझे अच्छा लगा है पिक्चर से। थैंक यू। आप में से कितने स्टार देना चाहेंगे? पूरे पाँच। थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छी लगी हम लोग को फिल्म। एक मिनट। बहुत अच्छी लगी फिल्म के बारे में आपको क्या कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी और काफ़ी अच्छा लगा वाकई। हाँ बोलिए, कैसी लगी आपको पिक्चर? मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, जो भी कैरेक्टर्स और सीन थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी में। जो आकाश और निशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो फिल्म के मेन लीड कैरेक्टर हैं? उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जो जो वीक पर्सन से सीधा गुंडे टाइप में बन गए वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लॉकडाउन में जो सब स्कूल बंद है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा थिएटर में फिल्म देखने का? स्कूल तो सब बंद है अभी। मुझे 1 साल हो गया मूवी ने देखा, 1 साल बाद मैंने इतनी अच्छी मूवी देखी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे आप फिल्म के लिए? 4.9। सर फिल्म तो आपकी है, आप क्या कहूँगा मैं, आप ही बोल दीजिए आपके फिल्म के बारे में। मैं काफ़ी खुश हूँ जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे पिक्चर का, लोगों को काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है मेरा और लोग काफ़ी खुश हैं कि पहली पिक्चर बनाई तो उसमें कुछ उनको देखने को मिला, एंटरटेनमेंट हर तरीके का उनको सीख मिली वहाँ से। और लॉकडाउन में जैसे बहुत दिनों के बाद पर्दे पर फिल्म आई है तो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है सर देखने का? वही तो अभी बोला ना, मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि ये उस दौर में गुजरने के बाद भी हम यहाँ तक पहुँच पाए वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, काफ़ी बड़ा दिन है मेरे लिए, क्या पब्लिक के लिए भी, क्योंकि घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज कोई ना कोई बहाना लेके ये स्क्रीन पे जाके देखने को मिल रहा है, इनको भी इंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है और हमें भी करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म बहुत दर्शकों को काफ़ी पसंद की जा रही है, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहा है, लोगों ने बहुत सराहा है मेरे कैरेक्टर को, इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि मैं अपनी मूवी थिएटर में देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया है मेरा कैरेक्टर। आकाश और निशा की केमिस्ट्री भी काफ़ी पसंद की जा रही है। हाँ लास्ट में मुझे ही मार देते हैं लेकिन ठीक है, अच्छा है और जो स्क्रिप्ट का डिमांड होगा वैसे ही करना पड़ेगा फिलहाल। पूछना चाहूँगा लॉकडाउन के समय यह फिल्म का शूट हुआ है तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा कुछ? काफ़ी दिक्कत हो रहा था क्योंकि बिकॉज इस टाइम पे कोई जगह नहीं मिल रहा था, हर जगह पे जहाँ पे जाना हर चीज़ सैनिटाइज करना, हर मतलब जो भी आ रहा था उसको चेक करना प्रॉपर कोविड है कि नहीं है, फीवर है कि नहीं है, क्योंकि अगर एक को होगा तो 4 को भी हो जाएगा, इस वजह से सारी चीज़ें सब चीज़ जो था मतलब कपड़े से लेके हर एक चीज़ को सैनिटाइज किया जा रहा था क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ था, अभी भी है थोड़ा बहुत, अगर पब्लिक थोड़ा ध्यान देगी ध्यान से जाएगी और अपने आप को बार बार सैनिटाइज करती रहेगी। दर्शकों का रिस्पांस देखकर आपको क्या फील हो रहा है अभी आपकी फिल्म ऑन द फ्लोर चल रही है थिएटरों में? बहुत अच्छा लग रही है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है निशा का, और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं निशा को, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, इवन लोग मुझे आके बोल रहे हैं कि मैम काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। थैंक यू सो मच फॉर गाइज, थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको फिल्म कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, उसकी स्टोरी से लेके रोमांस तक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की हुई है सर ने। लव स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोनों की, निशा और आकाश? लव स्टोरी में तो सस्पेंस कम थ्रिलर ज़्यादा है, जैसे कि उसमें विलन्स के काम भी बहुत अच्छे किए हुए हैं सर के साथ साथ,
अच्छी बहुत दिनों के बाद थिएटर में फिल्म लगी है लॉकडाउन के बाद, एक्सपीरियंस क्या कहना चाहिए लगी भाई? थिएटर ऐसे तो कुछ इशू नहीं है, बट थिएटर वाइज मूवी में बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी ऐसा लगा था कि ऑनलाइन हो रिलीज हो सकती है, बट जो मजा अच्छी हाँ जो मजा थिएटर में वो ऑनलाइन में नहीं है। जो साउंड आज में से कितना स्टार देना चाहेंगे सर फिल्म को? फिल्म को तो मैं 4 देना चाहूँगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू।